हेलो 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 कैसे यस ओके। सो इन लास्ट क्लास आई एम डिस्कसिंग अबाउट योर मेथड ऑफ ज्वाइंट एंड आई आल्सो सॉल्व अ प्रॉब्लम ऑन मेथड ऑफ ज्वाइंट। सो यू सॉल्व अ प्रॉब्लम The question is, so try from your side, मैं इसको कोशिश करो, बन जाए ठीक, नहीं बने कोई बात नहीं, बताएंगे लेकिन try करो क्योंकि ये question पूछता ही पूछता है। इसलिए अगर मान के चलो तुम लोग का यूनिवर्सिटी एग्जाम हो, अगर पूछे तो फिर वहाँ दिक्कत हो जाएगा, नहीं बनेगा सबसे, कुछ भी तो नहीं है, जो जो भी रूल बताए उसी से बस चलना है। अनदर मेंबर हियर इज ऑल्सो Another member, also this member joined with here. This member is joined. Here. Next. Here our inclined member is present. Inclined member is present. Also here. Inclined member is present. Here you have a support that is your hinge support. Here you have a hinge support. Here you have a hinge support. Here you have a roller support. Here you have a roller support. Here it is given that this is our point A. It is our point B. It is our point C. This point is D. This point is E. This is F. Next. Here the distance between this member is 2 meter. This is also 2 meter. This is also 2 meter. This is also 2 meter. And also this is 2 meter. Next, here a load of 2 kilonewton is given. Also here a load of 4 kilonewton is given. 4 kilonewton. Here a load of 2 kilonewton is given. So question is, calculate the forces in all the members. So here our question is, question. It is already written. So analyze the truss. Analyze the truss. The truss.
analyze the trust. And calculate all the member forces, So this is the complete problem. So here you have a truss and also the members of truss with loading and with length is given. Then you have to analyze the truss and calculate all the member forces. Solve karo sab log. Ban jayega? Ban jayega? Yes, sir. Okay. Try from your side. एनालाइज करो और बताओ. रिएक्शन कितना आ रहा है? 3.33 और 2.66 सर. ओके, सो आई थिंक रिएक्शन कम्स आउट एज, यहाँ पे कैलकुलेट करो. सो हियर यू हैव कैलकुलेट स्टेप वन. स्टेप वन इज कैलकुलेशन ऑफ रिएक्शन. सो हियर आई एम राइटिंग स्टेप वन. कोई भी क्वेश्चन मिले ट्रस का, यही करना ही है सबसे फर्स्ट स्टेप. और ये कॉन्वेंशनल क्वेश्चन पूछता ही है, 15 या 20 नंबर का एक क्वेश्चन पूछेगा, तो ध्यान रखना. स्टेप वन रिएक्शन फाइंड आउट. रिएक्शन फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे पता है एक रिएक्शन यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा इंजय तो, और एक यहाँ पे आएगा. अभी के लिए दिख रहा है रिएक्शन सारा का सारा वर्टिकल है, डेट मीन्स इनक्लाइन का कोई सिग्निफिकेंस नहीं, इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है. इसका मतलब ये हॉरिजॉन्टल जीरो चला जाए, तो इसको जीरो. नेक्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट द रिएक्शन. सो स्टेप फर्स्ट इज कैलकुलेट रिएक्शन. ओके, रिएक्शन कैलकुलेट किया. समेशन ऑफ फोर्स इन एक्स बराबर जीरो, यहाँ पे जीरो, फोर्स इन वाई बराबर जीरो.
सो आर ए प्लस आर डी इज इक्वल टू सिक्स। फिर किसी एक पॉइंट का मोमेंट लेके जीरो करके अपना निकालोगे तो कोई बताए कि सर हमारा जो रिएक्शन आ रहा है वो 3.33 और 2.66। सो हियर आई एम राइटिंग दैट हियर रिएक्शन कम्स आउट। कहाँ पे कितना कितना आ रहा है बता सकते हो? कहाँ पे कितना कितना रिएक्शन आ रहा है? आर ए पे कितना आ रहा है, आर डी पे कितना आ रहा है? 2.6 आरबी पे सर 3.3 आ रहा है सर और आरए पे आ रहा है 2.6। ओके ओके, सो हियर इट इज कंपेयर टू 2.66। सो हियर आई एम राइटिंग 2.666, तो 2.67 किलोन्यूटन विदाउट किलोन्यूटन इज गिवन फॉर योर लोड। सो हियर 2.67 किलोन्यूटन। हियर आरडी इज इक्वल टू हाउ मच? 3.33 सर। ओके ओके, सो हियर आफ्टर कैलकुलेटिंग द रिएक्शन फर्स्ट पॉइंट यू कीप इन योर माइंड दैट वी चूज a joint in such a manner that only at that joint we have only two unknown forces. मतलब हमको उस joint को select करना है step 2 में और उस joint से अपने इस पूरे के पूरे truss को analysis को start करना है जहाँ पे जिस point पे दो ही unknown member force हो। अब कोई बोले कि सर मेरा मन कर रहा है कि हम direct F point से start करें, बोले ठीक है start करके तो देखो क्या problem आता है देखते हैं। अब बोला कि सर हम F पॉइंट से स्टार्ट करना चाहते हैं, ठीक है स्टार्ट करो। तो वो F पॉइंट को कंसीडर किया, तो लिखा कंसीडर पॉइंट F। पॉइंट F को कंसीडर करने के बाद वो देखा कि यहाँ से एक मेंबर जा रहा है FE, एक मेंबर यहाँ से इधर जा रहा है FC, एक मेंबर यहाँ से जा रहा है FB, एक मेंबर जा रहा है इधर उसको AF। अब समेशन ऑफ फोर्स इन X, समेशन ऑफ फोर्स इन Y, समेशन ऑफ फोर्स इन Z तो हमको जरूरत है नहीं क्योंकि 3D को हम डील नहीं करते। तो समेशन ऑफ फोर्स इन एक्स, समेशन ऑफ फोर्स इन वाई, समेशन ऑफ फोर्स ये तीन दोनों को देख के ये एफ, ये फिर इधर एफ ई, फिर इधर ये कौन सा बी एफ, समेशन ऑफ फोर्स इन बी एफ डायरेक्शन, फिर इसको रिजॉल्व कर लेगा एफ सी को, सो इधर आ जाएगा कुछ थीटा एफ सी कॉस थीटा, इधर चला आएगा एफ सी साइन थीटा या फिर जो भी आए इधर कॉस इधर साइन। फिर यहाँ के बाद क्या कर लोगे? कुछ नहीं कर पाओगे क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास तीन चार अननोन फोर्सेस है यहाँ पे, तो कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पे भी जाओगे तो तीन, यहाँ पे भी जाओगे तो चार, यहाँ पे भी जाओगे तो एक ऊपर से 2 किलो न्यूटन, इधर एफ ए बी, इधर एफ बी एफ, इधर एफ बी सी, कुछ नहीं कर सकते। अब देखते हैं हम ज्वाइंट ए और ज्वाइंट डी को, तो ज्वाइंट ए और ज्वाइंट डी के पास जाते हैं, वे बताता है कि हाँ यहाँ एक जो रिएक्शन है वो तो तुमको पता चल गया, फोर्स पता है, एक ये अननोन तुमको पता करना है एफ डी, फिर तुमको पता करना है एफ बी सी। किसी एक ज्वाइंट को कंसीडर करें, ज्वाइंट डी को कंसीडर किया और वी हैव कैलकुलेट ऑल द मेंबर फोर्सेस और वी हैव टू कंसीडर ज्वाइंट ए एंड कैलकुलेट द मेंबर फोर्स इन एफ एंड वी हैव टू कैलकुलेट द मेंबर फोर्स इन ए बी। सो आवर स्टेप टू, सो स्टेप टू इच कंसीडर अ चूज अ ज्वाइंट इन सच अ मैनर दैट एट दैट पार्टिकुलर ज्वाइंट ओनली two unknown member forces are present. So we have only option left with only A and D. A और D ही हमारे पास option में है इस question में choose करने के लिए। तो या तो A को choose करो या फिर D को choose करो। कोई बोला कि सर हम D को choose किए, कर लो choose। अब D को choose कर लो। कोई किसी को मन किया सर हम A को choose कर लेते, कर लो choose। मेरा मन किया D को choose करने का, A तो बहुत देर से इधर से चल रहे, देखो इधर से चलते हैं। मेरा मन किया D को choose करने का, मैं D को choose किया, force दिखा दिया यहाँ पे फोर्स इन डी वाई, यहाँ पे दे रखा है 3.33, सो वी हैव 3.33 फोर्सेस ऑफ 3.33। नेक्स्ट यहाँ पे एक मेंबर जा रहा है, जाने दो पीला वाला मेंबर, अच्छा एफ डी ई। अब कोई बोला कि सर आप एरो को बाहर की तरफ क्यों निकाल रहे हैं? बोले कि देखो बाहर की तरफ हम निकाल लें, तुम्हारा मन करे तो अंदर की तरफ निकाल दो,
ऐसे ही होगा कि जो मेरा साइन आएगा तुम्हारा साइन आएगा वो अपोजिट आएगा। अगर तुम्हारा साइन निगेटिव आ रहा है इसका मतलब सोचना कि तुम जो मान के चले हो वो तुम उल्टा मान के चले हो। फिर क्वेश्चन बनाने टाइम अगर तुम अंदर की, ये तो हम टेंसाइल दिखा रहे हैं, तुम अंदर की तरफ दिखा रहे हो, डेट मीन तुम कंप्रेसिव दिखा रहे हो। इसका मतलब एक्चुअली हमारे स्ट्रक्चर में जो फोर्स लग रहा है मेंबर पे वो हमारा टेंसाइल लग रहा है। अगर कंप्रेसिव मान के चलते हो साइन निगेटिव आता है। वैसे ही अगर हम टेंसाइल यहाँ पे मान के चल रहे हैं और हमारा रिजल्ट अगर निगेटिव आ गया तो क्या इसका मतलब कि हमारे इस पर्टिकुलर मेंबर डी पे जो फोर्स लग रहा है वो हमारा कंप्रेसिव नेचर का है। तो ये साइन और एरो का कोई मतलब नहीं है कि हम बाहर की तरफ दिखा रहे हैं तुम अंदर की तरफ दिखाओ, जो मन करे वैसे एरो को लगाओ, क्योंकि पता ही नहीं है कि मेंबर में फोर्स कितना है और उसका नेचर कितना है। तो जो मन किया वैसे उसका एनालिसिस हम स्टार्ट करें, क्योंकि हमको तो एनालिसिस करना है, एनालिसिस करके देख रहे हैं हमारा एनालिसिस गड़बड़ हो गया तो उसको सुधार लिए, कंप्रेसिव को टेंसाइल कर लिए, टेंसाइल को कंप्रेसिव कर लिए, बाद बाकी मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा। तो यहाँ से चले फोर्स इन डी, अब यहाँ पे गए एक और मेंबर जा रहा था डी सी, फोर्स इन डी सी, फोर्स इन डी सी। अब ये एंगल कितना होगा कोई बता दो, ये एंगल कितना होगा? देखो डिस्टेंस दे रखा है परपेंडिकुलर 45 डिग्री सर। इज राइट आंसर, बिकॉज यहाँ पे पी वाई बी करोगे tan थीटा का, देख लो tan थीटा इज इक्वल टू पी वाई बी, परपेंडिकुलर 2 मीटर बेस 2 मीटर 2 बाई 2 कट जाएगा, tan 45 का मान 1 होता है। तो यहाँ पे 45 डिग्री यहाँ पे रख दो। अब कोई बोला कि सर इसका इंक्लाइंट का सबका तो वैल्यू दिया, इसका इंक्लाइंट का हमको वैल्यू नहीं दिया, तो इसका भी हम निकाल सकते हैं, इसका नहीं दिया इसका भी निकाल सकते हैं। ये ऊपर वाला ये ऑलरेडी 2 मीटर होगा, ये ऊपर वाला का नहीं दिया तो इसको मान लो 2 मीटर होगा ये। सो ऐसा नहीं है कि इसमें इंफॉर्मेशन हमारे पास पूरा का पूरा नहीं था, इसमें थीटा का वैल्यू नहीं था, हमको क्वेश्चन में नहीं दे दिया था, वो नहीं दिया था ताकि हमको अपना निकालना है, क्योंकि वो एक्सेप्ट करता है कि या फिर उसको इतना तो है कि बच्चा इंजीनियरिंग कर रहा है वो 9, 10, 11, 12 पढ़ के आया है, तो इतना तो उसको पता ही रहता है कि इतना वो ज्योमेट्री लगा के अपना एंगल या फिर जो भी वैल्यू है हाइपोटेनस बेस और परपेंडिकुलर वो निकालेगा। तो समोनी सेइंग सर टेन सॉरी 45 डिग्री, तो हियर आई एम राइटिंग 45 डिग्री। अब क्या बचा? कुछ नहीं बचा, रिजॉल्व करो इसको, ले जाओ इसको ऊपर खींच के एफ डी सी साइन थीटा इसको बना दो, और ये तुम्हारा बन गया एंगल के साथ लगा हुआ है इसीलिए एफ डी सी कॉस थीटा। तो कॉस 45 इसको अब ले जाओ इधर, आप पूरा का पूरा लगाओ समेशन ऑफ फोर्स इन एक्स, समेशन ऑफ फोर्स इन वाई, समेशन ऑफ फोर्स इन एक्स इज इक्वल टू जीरो और समेशन ऑफ फोर्स इन वाई, समेशन ऑफ फोर्स इन वाई इज इक्वल टू जीरो। यहां से कोई हमको वैल्यू निकाल के बताओ, समेशन ऑफ फोर्स इन एक्स बराबर जीरो, समेशन ऑफ फोर्स इन वाई बराबर जीरो, तो एफ डी सी यहाँ पे चला जाएगा साइन थीटा साइन 45, तो ये इट इज कमिंग आउट टू बी एफ डी सी साइन 45 साइन 45 कम्स आउट टू बी एफ डी सी साइन 45 डिग्री। हियर इट कम्स आउट टू बी एफ डी डी ई एफ डी ई कॉस 45 डिग्री। कैलकुलेट करो और बताओ हमको कितना आ रहा है वैल्यू, बन जाएगा? यस सर। सॉल्व इट। कितना आ रहा है वैल्यू एफ डी सी का?
4.71. ओके, तो 4.71 FDC value coming out to be 4.71. लेकिन इसका वैल्यू जो भी बता रहे हो, देखो इसका वैल्यू हमको जहां तक लग रहा है निगेटिव में आएगा, क्योंकि 3.3 प्लस एफडीसी साइन 45 इज इक्वल टू 0 आएगा, तो यहां से हमको जहां तक लग रहा है वैल्यू निगेटिव में आएगा, ऐसा है क्या? देखो क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहा है, एफसीडी साइन 45 डिग्री प्लस 3.33 किलो न्यूटन इज इक्वल टू 0, क्योंकि समेशन ऑफ फोर्स इन वाई डायरेक्शन इज इक्वल टू 0, तो यहां पे एफसीडी का वैल्यू कुछ और आना चाहिए, चेक करके बताओ, 4.71 किलो न्यूटन या फिर -4.71 किलो न्यूटन या फिर कुछ और आंसर है? क्या आ रहा है आंसर? क्या करोगे? देखते हैं आगे, हम ही देखते हैं। चलो बनाते रहना उस क्वेश्चन को, तुम लोग आगे चलते हैं। अब जब एफडीसी और एफएससी तुमसे नहीं निकलेगा, तुम लोगों से क्या करोगे? सो हियर सर हम ए जॉइंट कंसीडर करके बनाए थे, इसलिए डी में नहीं पहुंचा सर। अच्छा ठीक है, बताओ कितना आ रहा है? ए को ही कंसीडर करके बना रहे थे, बताओ कितना आया एफ ए एफ, और क्या आएगा तुम्हारा एफ ए बी, क्योंकि बी और एफ पॉइंट ही आ रहा था आई थिंक। यस एफ ए बी सर मेरा 3.775 किलो न्यूटन आया। ओके ओके, और एक मिनट वेट करो। यस सर, ये था तुम्हारा प्रॉब्लम। अब बहुत टेढ़ा हो गया, इसको मान लेना सीधा, यही था यहाँ पे 2 किलो न्यूटन था, यहाँ पे ऐसा नहीं था, ये कुछ मिसिंग था, ये इट इज 4 किलो न्यूटन। Here we have a member 2 meter, 2 meter. Also here a member is connecting. So it is also 2 meter, 2 meter, 2 meter. This is 2 meter. This is also 2 meter. This is point A. हाँ, कुछ बता रहे थे? हाँ, पर ना बोलो क्या क्या आ रहा है? Yes sir. हाँ, A B F हो गया तुम्हारा, आगे ये था तुम्हारा, हाँ बताओ F A B का 3.775 किलो न्यूटन compressive. Okay, compressive. ठीक है. Yes, sir. एक मिनट बता रहे हो तुम? चेक करना पड़ेगा खुद से इसको, क्योंकि इसका सॉल्यूशन नहीं है मेरे पास। ए का वैल्यू कितना आ रहा था तुम लोगों के पास? 2.67 ना? Yes, sir. इसका वैल्यू आ गया 2.67
6.7। ठीक है, इसको काट के अलग कर लेते हैं। ये हो गया तुम्हारा ये 4 sin AB, ये तुम्हारा चला गया 4 sin F। तो दिस इज 4 sin AF। This is your force in AB. यहाँ पे ये आया 2.67. So this is your 2.67. 2.67. This angle is also 45 degree. Yes, sir. So just resolve this. So here we have FAB sin theta. Here we have FAB cos 45. So you get FAB is equal to what? 3.775 kilonewton. 3.775. Okay. Yes, sir. So you get 3.775 kilonewton compressive. Okay. This is compressive. Okay. Next, what is the value of FAF? 2.67. It is 2.67. Okay. Kilonewton tensile, sir. Okay, so it is 2.67 kilonewton tensile. Yes, sir. Okay. Next, you choose another joint. So you choose joint F. You choose joint F because here, if you choose joint F, then you have this member and you know the forces in this member. You have this member, you have this member, you have also this member. But here you see, you have only one unknown. Here you know only the forces in member AF, because here if AF is known, then for joint A, then you have, when you consider joint F, then also this member is coming, so you have a known value for this joint. But when you consider joint F, then you have three unknowns. That is in your force in member FE. Next is your force in member F. I think this member is your C. So force in member FC. Next is your force in member BF. So you have not option at this time to choose joint F. Next, you choose joint D. So after choosing joint A, if you choose joint B, then you know the forces in this member, because if AB is known, then if you consider this joint, then the forces in this member is known. Then in this member, BC member, you do not know the forces, and for this member, BF member, you do not know the forces. So here also only two unknowns are left. So also after choosing A, you choose joint B or point B. So you have an option to choose joint B, or you have an option to choose joint D. So after choosing joint B and D, you again know the forces in some member. So if you choose joint B, then you know the forces in member BC and you know the forces in member BF. Then again, you have come to this joint, F joint. Then again, you see, we have know the member forces in this member, but we do not know the member forces in this member and this member. And also, if you see the joint F, then you see only two unknown member forces are present for joint F. So again, you choose point F. So in this manner, we proceed and we solve all the unknown member forces. After solving all the unknown member forces, you get the magnitude with tensile or compressive nature. So after getting all the result, if you know the value of here, so here someone is saying, sir, we get the value of FAB. FAB is equal to 3.7 kilonewton compressive. So someone is saying, sir, we get 3.775 compressive.
Someone is saying, sir, we get FAB, FAF is equal to 2.67 kilonewton tensile. तो सबसे पहले स्टेप वन रिएक्शन निकालें, उसके बाद क्या किए, किसी एक ज्वाइंट पे जाके देखे कि कितना उस ज्वाइंट पे मेंबर फोर्स है, अननोन मेंबर फोर्स है, फिर देखे लगा कि दो ही है, वो उसी ज्वाइंट से स्टार्ट कर देंगे, फिर स्टार्ट करने के बाद नेक्स्ट ज्वाइंट पे जाएंगे, फिर वहां से चेक करें कि इस ज्वाइंट पे हमारा कितना अननोन फोर्सेस है, फिर देखे दो से ज्यादा आ रहा है, तीन आ रहा है, उस ज्वाइंट को छोड़ के आगे चले जाएंगे, क्योंकि हम ए के बाद एफ पे गए थे, लेकिन देखे एफ के लिए हमारा अननोन फोर्सेस तीन तीन आ रहा है, उसको छोड़ के आगे बढ़े, कोई ऑप्शन नहीं था। बी पे गए, बी के बारे में पता चला कि एफ ए भी तो हम पहले निकाल चुके, ए ज्वाइंट को कंसीडर करके मेरे पास दो ही बचा, एफ बी सी और एफ बी एफ, उसको फिर बी पॉइंट को कंसीडर करके दोनों को निकाल लिए, फिर एफ पॉइंट पे आए, फिर अननोन फोर्स को निकाले, फिर आगे वाले ज्वाइंट पे जाएंगे फिर उसको निकालेंगे, फिर आगे वाले ज्वाइंट पे जाएंगे फिर उसको निकालेंगे, सबको मेंबर फोर्स को निकाल निकाल के रिपोर्ट कर देंगे, तो एक मैग्नीट्यूड आएगा, ऐसा मैग्नीट्यूड आएगा और विद साइन आएगा। सो आई थिंक अपर्णा इज सेइंग सर आई गेट एफ ए बी इज इक्वल टू 3.7 किलो न्यूटन, एफ ए एफ इज इक्वल टू 2.7 किलो न्यूटन, देन सी मूव्स टुवर्ड्स ज्वाइंट बी एंड से सर आई गेट बी सी वैल्यू इज इक्वल टू 5.1 किलो न्यूटन टेंसाइल। सो आई ओनली टेक द एग्जाम्पल दैट आई गेट एफ बी सी इज 5.1 किलो न्यूटन, बट इफ यू कैलकुलेट the value of FBC, it might be changed. So it is not the actual value. I just take the example that FBC comes out to be 5.1 kilonewton. If someone is calculating FBC, then give me the result. We calculate kiyo? Yes, sir, 2.67 compressive. Okay, so you are saying, sir, FBC is equal to 2.67 kilonewton compressive. You're saying, sir, 2.67. न्यूटन कंप्रेसिव। सो देख लो, बस कहने का मतलब ये है कि सारा का सारा वैल्यू हम निकालते चले जाएंगे। सो हम यहाँ पे 5.1 ऐसे ही मान के चले थे, कुछ और समझाना है क्योंकि अभी एनालिसिस कंप्लीट नहीं हुआ है, बस अभी सारा का सारा मेंबर फोर्स को निकाले हैं। तो बस एग्जांपल ले लेते हैं, बहुत सारे मेंबर है, एफ ए बी एफ बी सी, वैसे ही कर करके सारा का सारा मेंबर एफ बी एफ के लिए, एफ बी एफ के लिए कुछ भी एक वैल्यू कंसिडर कर लेते हैं, 2.4 टेंसाइल। So I am taking 2.4 tensile. Tensile. Then I am taking this as F. VF ho gaya F. FE. F FE is equal to 6.1 yeah, 6 kilonewton. 6 kilonewton. kilonewton tensile. Here we get 2.4 kilonewton compressive. So in this manner we get some results. So यहाँ पे देखो last में हमारा analysis करना है, इसको हम erase करते हैं। अभी तक अगर ऐसे करके बस member force करके answer दे दोगे तो examiner तुम्हारा number काट लेगा 2 से 3 number। लेकिन ऐसे करके दे दोगे ये तुम्हारा complete analysis हो गया। क्या बचा था? बचा था मेरा क्या था फिगर मेरा जल्दी से बना देते हैं। हो गया चला गया। I'm drawing it with three hand.
यहाँ पे आ गया, यही हमारा था, यहाँ पे था ए, यहाँ पे था एफ, यहाँ पे था बी, यहाँ पे था सी, यहाँ पे था डी, यहाँ पे था ई और यहाँ पे था एफ। तो लास्ट में क्या करना, जो भी हमारा एक्चुअल फिगर होगा उसको हम नीचे ड्रॉ कर लेंगे सब कुछ फोर्स निकालने के बाद। उसके बाद जैसे एफ ए बी 3.7 किलो न्यूटन, और हम बता चुके हैं अगर कंप्रेसिव होगा तो तुम्हारा टू आर्ट्स तो ज्वाइंट जाएगा, तो यहाँ पे हम इसको ऐसे इंडिकेट करते जाएंगे टू आर्ट्स तो ज्वाइंट, और यहाँ पे उसका जो भी मैग्नीट्यूड आएगा उसको यहाँ पे लिख देंगे 3.7 किलो न्यूटन, और कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। 3.7 किलो न्यूटन एग्जामिनर समझ जाएगा कि इसका जो भी है ये कंप्रेसिव आ रहा था, और यहाँ पे लिख देना ऐसे कि टुवर्ड्स द जॉइंट इज टेकन एज कंप्रेसिव, तो वो अंडरस्टूड कर लेगा। ए बी सी इज 2.67 कंप्रेसिव, तो हियर आई एम राइटिंग 2.67 कंप्रेसिव, सो इट इज टुवर्ड्स द जॉइंट। हियर आई एम गेटिंग एफ, एफ ए इज इक्वल टू 2.67, सो इट इज अवे फ्रॉम द जॉइंट, सो आई एम मार्क इट एज अवे फ्रॉम जॉइंट, एंड हियर आई एम राइटिंग 2.67। जो ये पूरा का पूरा फोर्स मेंबर फोर्स निकालने के बाद लास्ट में हमको उसका जो भी होगा वैल्यू उसको अपने हमारे फिगर में उसको शो कर देना होता है उसके मैग्नीट्यूड और उसके साइन के साथ।